Assalamu alaikum dear students, bismillah ar-rahman ar-rahim. Welcome back to Learn Daily. And the topic we have today, jo aaj ka hamara topic hai, wo hai Einstein theory of specific heat for diamond. So, iske liye jo question humare paas arise hota hai, wo hai ki, why the specific heat of diamond deviates from Dulong Petit law? सो इसका मतलब ये है कि जो हम वैल्यू ऑब्टेन करते हैं एक्सपेरिमेंटली डायमंड के लिए द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली is less than the value of 3R. अब ये क्यों होता है कि ये Dulong Petit law से deviate क्यों कर जाता है? It does not hold Dulong Petit law. अब इसके लिए आइंस्टाइन ने थ्योरी दी और आइंस्टाइन ने अपने टेम्परेचर के बारे में बताया. टी आइंस्टाइन विच इज आइंस्टाइन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू एस्केट ओमेगा ओवर के बी. हियर एस्केट ओमेगा एंड के बी आर बोथ आर द कॉन्स्टेंट. सो टी आइंस्टाइन इज हैव सम रिलेशन विद ओमेगा. दिस आइंस्टाइन टेम्परेचर हैव सम रिलेशन विद द फ्रीक्वेंसी. इन द केस मोस्ट ऑफ द मटीरियल्स हैव दिस ओमेगा सो स्मॉल. बहुत से मटीरियल्स में क्या होता है कि ये ओमेगा बहुत कम होता है. ये क्यों होता है इस बात का हम पता करते हैं कि ये ऐसे क्यों होता है. तो ओमेगा हमारे पास होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर किसी भी क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में कैपा ओवर एम. और ये कैपा क्या चीज़ है? ये कैपा होती है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कह लें. इफ़ द मैसेज आर अटैच विद स्प्रिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम में ये कैपा होता है हमारे पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. लेकिन इन द केस ऑफ एटम्स इन द मैस स्प्रिंग सिस्टम टू मैसेज आर अटैच विद सेम स्प्रिंग एम. बोथ आर आइडेंटिकल एम एंड हियर कैपा के वी कैन से कॉल इट के. सो ये स्प्रिंग की क्या स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है लेकिन इन द केस ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम. लेकिन अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखें इन एटॉमिक मटेरियल या इन एटम्स क्या होता है कि वी हैव सम इंटर मोलिकुलर फोर्स इंस्टेड ऑफ दिस स्प्रिंग. सो दिस के इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ. के इज इक्वल्स टू बॉन्ड स्ट्रेंथ. अब ये के क्या थी? बॉन्ड स्ट्रेंथ थी. अब ये आपको पता है कि डायमंड क्या है? डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल. सो द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ डायमंड द वैल्यू ऑफ के इन डायमंड इज सो लार्ज एज कंपेयर टू इट्स मास तो होता क्या है कि जब कैपा ज्यादा है मास से तो वैल्यू ऑफ ओमेगा विल बी लार्ज. ओमेगा लार्ज होने की वजह से टी आइंस्टाइन टेम्परेचर जो उनसा है ना वो बढ़ जाएगा. और जब टी आइंस्टाइन टेम्परेचर व्हेन ओमेगा विल इंक्रीज देन टी आइंस्टाइन विल इंक्रीज व्हेन टी आइंस्टाइन विल इंक्रीज. जब टी आइंस्टाइन बढ़ेगा तो वो
टी आइंस्टाइन ज़्यादा होने का मतलब है कि टेम्परेचर हीट अप हो गया, अब टेम्परेचर बढ़ गया है, सिस्टम हीट अप हो गया, और सिस्टम जब हीट हो गया तो हाई टेम्परेचर पे ड्यूलोंग पेटिट लॉ, सो ड्यूलोंग पेटिट लॉ एट हाई टी आइंस्टाइन शोज इन वैलिडिटी। सो एट दिस टेम्परेचर, जब ये टी आइंस्टाइन बहुत बढ़ जाता है तो इस टाइम इस टेम्परेचर पे, इस हाई टेम्परेचर पे जो ड्यूलोंग पेटिट लॉ होता है ना वो इनवैलिड होता है। सो दिस इज द रीजन दैट व्हाई डायमंड डेविएट्स फ्रॉम ड्यूलोंग पेटिट लॉ। आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर एंड यू विल कम फॉर द नेक्स्ट वन। The next lecture I will tell you is about the debye calculation. So, assalamu alaikum dear friends, and stay happy and stay nude.